नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नोटपैड। पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। आज इस वीडियो में हम नोटपैड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आवाज़ के साथ। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम रवि सिंह है और मैं काफ़ी सालों से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज नोटपैड, यानी नोटपैड है क्या। कुछ शब्दों में अगर कहा जाए तो नोटपैड जो है बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम अगर भी लिखना चाहते हैं तो रवि को लिखने के लिए किसी भी भाषा में कुछ करेक्टर्स मुझे चाहिए। उन करेक्टर्स को हम कंप्यूटर में या कंप्यूटर लैंग्वेज में टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे विंडोज, लिनक्स ये सब आते हैं, एंड्रॉयड ये सब आते हैं, जिसकी वजह से हम क्या है कंप्यूटर को रन करवा सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जिनकी वजह से हम किसी ऑफिस में या कोई घर का काम या किसी पार्टिकुलर वर्क को कर पाते हैं। जैसे नोटपैड में हम कोई भी ऑफिस रिलेटेड जो हमें आर्टिकल वगैरह लिखना है, कोई रिज्यूम वगैरह बनाए, कोई बायोडाटा वगैरह बनाना है, वो हम सब काम कर सकते हैं। बात करते हैं कि नोटपैड के बारे में कैसा। जैसे यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऐसे लिखा है काव के बारे में, तो ये बस दिखाने के लिए लिखा है कि आखिर नोटपैड में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ना कर सकते हों, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल वर्क्स। ऑफिशियल वर्क से मतलब मेरा क्या है, ऑफिस से रिलेटेड जितना भी काम होना चाहिए जेन्यून, जैसे हम क्या लिख रहे हैं, नोट्स वगैरह लिखना है, किसी मैसेज वगैरह ईमेल वगैरह लिखना है, किसी को लेटर टाइप करना है, किसी की एप्लीकेशन लिखनी है, किसी का बिल वगैरह मैनुअली टाइप कर सकते करना है, वो हम काम कर सकते हैं। इसमें कलर वगैरह नहीं होता है। ये मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अबाउट काव लिखा है उसमें रेड कलर से लिखा हूँ, टेक्स्ट कलर को रेड करना चाहता हूँ, वो पॉसिबल इसमें नहीं है। बेसिक सारा का सारा इसमें ऑफिशियल वर्क्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नोटपैड को HTML, SHTML, ASP, PHP, JavaScript की कोड लिखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इनका जो HTML, SHTML का कोड लिखा जाता है वो नोटपैड में भी हम आसानी से लिख कर के काम कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, वेब डिजाइनिंग की लैंग्वेज से इनको हम नोटपैड में आराम से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोटपैड को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, यानी हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति कितने समय से पढ़ रहा है या कुछ भी वर्क सीख रहा है या सिखा रहा है, उसको जितना एक्सपीरियंस होगा वो उतने ही तरीके से उसको इनोवेट कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है, एक ही काम को मैं कई सारे तरीकों से कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अगर मुझे एक ही काम को 4-5 साल हो गए करते करते, तो मैं कई सारे तरीके से उसे कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ एक तरीका बताऊँगा जो कि लगभग विंडो XP हो, विंडो 7 हो, विंडो विस्टा हो, विंडो 10 हो, विंडो 8 हो, सब में सेम काम करता है। जो मैंने सेम मतलब एक ही जैसा काम करता है, मैंने उस ऑप्शन को यहाँ पर इंक्लूड किया है, उस तरीके को इंक्लूड किया है। वो तरीका क्या है, विंडो बटन के साथ अगर हम R बटन दबाते हैं तो उससे आता है क्या, रन डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पर ओपन लिखा है, वहाँ पर आपको लिखना है नोटपैड। नोटपैड की स्पेलिंग आप देख लीजिए, नोटपैड ये ऐसे ही लिखा होना चाहिए, कैपिटल में हो, स्मॉल में हो, रेगुलर में हो, किसी फॉर्मेट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्पेलिंग करेक्टर सेम होनी चाहिए, टेक्स्ट सेम होनी चाहिए। उसके बाद ओके कर देंगे तो हमारा जो नोटपैड विंडो है ओपन हो जाएगा। नोटपैड विंडो कुछ इस तरह से आएगा, जो सबसे ऊपर यहाँ पे अनटाइटल नोटपैड है, जिसे हम टाइटल वाला कहते हैं,
फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प, ये पांच मेन्यू होती हैं। ये यहाँ पर कस्टमाइजेशन बटन्स हैं, ये वर्क स्पेस है और ये नीचे स्टेटस बार है हमारा। कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल बार। टाइटल बार ये कहाँ पर होता है? किसी भी एप्लीकेशन में टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर, यानी कि सबसे टॉप वाला जो हिस्सा होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार का काम क्या होता है? टाइटल बार हमें नाम बताता है किसका, जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया है, जिस नाम से हम फाइल को सेव करना चाहते हैं उस नाम को टाइटल बार शो करता है। मेन्यू बार, मेन्यू बार क्या होता है? इसमें मेन्यू होती हैं, फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प। फिलहाल में यहाँ पर पांच ही मेन्यू होती हैं तो इनको इसलिए हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार में मेन्यू होती है, स्टेज पर मेन्यू बार कहा जाता है और कोई रीजन नहीं है। बात करते हैं ये, इसको कहते हैं हम कस्टमाइजेशन बटन्स। वैसे तो ये टाइटल बार में ही इंक्लूड होता है लेकिन मैं इसे अलग से नाम देना चाहता हूँ, कस्टमाइजेशन बटन्स। आप ऐसा मत करिएगा किसी इंटरव्यू वगैरह में जाएँ तो आप इसे टाइटल बार के बारे में ही साथ ही इंक्लूड कीजिए। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, एक अलग दिखाया है। इसको हम तीनों बटनों को कस्टमाइजेशन बटन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो माइनस का साइन दिखाती है की तरह दिखती है उसे हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। मिनिमाइज ये क्या करता है? किसी भी एप्लीकेशन को एज ए बटन टास्क बार पर ओपन रखता है, क्लोज नहीं करता है एप्लीकेशन को, एज ए बटन आप उस पर काम कर रहे हो। मतलब कि आप मान लीजिए आप वीडियो प्ले करना चाहते हो तो समय के लिए, या ऑडियो प्ले करना चाहिए, या आप कोई अदर वर्क करना चाहते हो तो आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो क्लोज नहीं होगी, एज ए बटन टास्क बार में वो ओपन रहेगी, आप दोबारा उस पर क्लिक करके काम कर सकते हैं। ये मैक्सिमाइज बटन है, ये फुल स्क्रीन करने के लिए होती है। ये क्लोज बटन है, अगर आप एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हो तो उसके लिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लोज होगी। ये जो है ये हमारा टास्क बार है। टास्क बार का मतलब क्या है? ये विंडो का कहने का मतलब, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे नीचे दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको ये विंडो 10 में चला रहा हूँ इसलिए आपको विंडो 10 का इंटरफेस नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट ऑन किया हुआ है, नोट पैड ऑन किया है और डायलॉग बॉक्स ऑन किया है। ये सब आपको यहाँ पर दिखते हैं। जितने भी फाइल आप ओपन करोगे वो सारी की सारी टास्क बार में दिखाई जाती हैं। तो अगर आप मिनिमाइज़ कर दोगे तो नोट पैड कुछ इस तरह से दिखेगा। आप मिनिमाइज नहीं भी करोगे तब भी नोट पैड आपको इसी तरह से दिखेगा। इस पर अगर आपने मिनिमाइज कर दिया तो इस पर क्लिक करके दोबारा से आप ओपन कर सकते हो और काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने मैक्सिमाइज कर दिया है तो आप देखेंगे कि ये बटन जो बीच वाली थी वो चेंज हो जाती है। इस चेंज, क्योंकि ये दो तरह से काम करती है, एक रीस्टोर डाउन और एक मैक्सिमाइज। रीस्टोर डाउन क्या करती है? विंडो मतलब एप्लीकेशन के साइज को डेस्कटॉप के हिसाब से या अपनी इच्छा के हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको मन चाहे मुताबिक साइज पर काम कर सकते हैं। री स्टोर डाउन कहने का मतलब क्या है? अगर आपने छोटी स्क्रीन बना रखी है, आप मैक्सिमाइज करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, लेकिन आप दोबारा जब री स्टोर डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो नोट पैड एप्लीकेशन की जो स्क्रीन है वो हाफ या फुल या जितना भी आपने साइज बना रखा है उतना कस्टमाइज हो जाएगा। बात करते हैं आगे हम स्टेटस बार। ये है स्टेटस बार, ये LN1COL 100% विंडो CRLF, ये हमारा स्टेटस बार होता है। ये हमारा नोट पैड विंडो के साथ होता है। ये अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो सबसे नीचे जो टास्क बार है इसके जस्ट ऊपर दिखाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये हमारे कर्सर की पोजीशन को बताता है। अगर हम नोट पैड में काम कर रहे हैं तो हम अगर ज़्यादा लाइन लिख चुके हैं तो अगर हमें कर्सर देखना है कि हम कौन सी लाइन पर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। LN1 का मतलब होता है आप कौन सी लाइन में हो, COL1 का मतलब होता है आप कौन सा करेक्टर लिखने वाले हो। जैसे कि मैंने RAVI चार अक्षर लिख दिए, मान लीजिए मैं पहली लाइन पर हूँ तो RAVI बिना स्पेस बिना इंटर के मैंने लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा?
यहाँ पर एल एन वन दिखेगा, सी ओ एल फाइव दिखेगा, यानी कि आप कौन सा करेक्टर लिखने वाले हो इसकी पोजिशन आपको दिखाई जाती है। बात करते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में जो इंटरवल में बटन किताब की तरह होता है, इसमें पांच ऑप्शन होते हैं, ये सारे बटन कस्टमाइजेशन बटन के नाम से ही होते हैं। आप करके देख सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिलहाल में हम बात करते हैं आगे हम सबसे पहले फाइल मेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। फाइल मेन्यू में हमारी कुछ इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा वो है न्यू, यानी कि अगर हमें नई फाइल बनानी है तो उसके लिए इस कमांड का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा ओपन, यानी कि अगर हमने फाइल पहले से बना रखी है तो और सेव कर रखा है तभी हम उसे ओपन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह, आज मैंने किसी फाइल को काम किया, उसे मैंने आज किसी एक नाम से सेव कर दिया, कल अगर मैं आता हूँ और उसी फाइल पर मुझे काम करना है तो मैं उस फाइल को ओपन करूँगा, तब जा कर के मैं उस फाइल पर काम कर सकता हूँ। उस फाइल को ओपन करने के लिए आपने और यहाँ पर भी उसे सेव किया था, उस लोकेशन को आपको ओपन करना होगा। कहने का मतलब ये, आपको पाथ ओपन करना होगा, उस ड्राइव को ओपन करना होगा, वहाँ से अपनी फाइल को सेलेक्ट करना होगा और ओपन पर क्लिक कर देना होगा। या फिर अगर आपको एक ही फोल्डर है उसमें कई सारे नाम दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर नाम भी लिख करके ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पर नाम तभी लिखिएगा जब वही फोल्डर ओपन है जिस फोल्डर में आपने फाइल को सेव किया था, अदरवाइज फाइल का नाम यहाँ पर लिखने से फाइल ओपन नहीं होगी, क्योंकि वो फोल्डर ही नहीं है और जिसमें आपने फाइल सेव की। मान लीजिए मैंने डी में सेव किया था रवि डेमो के नाम से और मैं ओपन करता हूँ सी में, तो सी में वो नहीं मिलेगा। अपने डी में जिस भी फोल्डर के अंदर आपने फाइल सेव की है उस फोल्डर को ओपन करना होगा, उसमें देखना होगा कि हाँ वहाँ पर आपकी फाइल है या नहीं। अगर आपकी फाइल है तो आप यहाँ पर नाम देखेंगे ओपन कर देंगे, या फिर यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे ओपन करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अगला ऑप्शन हमारा सेव। अगर किसी फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इस ऑप्शन का उपयोग करूँगा। सेव करने के लिए सेम प्रोसेस, जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर फाइल नेम आपको लिखना है, आप किस नाम से फाइल को लिखना सेव करना चाहते हो और कहाँ पर सेव करना चाहते हो, ये भी लोकेशन आपको यहीं पर चूज करनी है। यहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो वो लोकेशन आपने याद रखना होगा ताकि आगे काम आए। और जैसे आपने मान लीजिए मैंने काओ के नाम से सेव किया है तो टाइटल बार में देखो अनटाइटल्ड की जगह काओ लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि टाइटल बार का काम होता है जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है उस नाम को दिखाना। बात करते हैं सेवेज। सेवेज का उपयोग हम तब करते हैं जब मान लीजिए मैंने एक फाइल थी काओ के नाम से मैंने सेव किया, मैं चाहता हूँ उसे काओ की जगह बुफेलो के नाम से सेव करूँ, या फिर मैं उसकी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अगर नोटपैड के जरिए करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन का उपयोग करूँगा। उस फाइल को पहले ओपन करूँगा जिस फाइल को मुझे रीनेम करना है या फिर लोकेशन चेंज करनी है, उसके बाद मैं सेव एज का उपयोग करूँगा, तब जा करके उस फाइल को मैं एक ही फाइल को कई नामों से सेव करने के लिए सेव एज का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपने फाइल नाम पहले लिखा था, सेम विंडो जैसे सेव काम करता है वैसे सेम सेव एज काम करता है। ओके, जैसे ही आप सेव एज करेंगे तो आप ध्यान रखिए आप एक ही फाइल को कई नामों से सेव कर सकते हैं। इस काम को काम करने के लिए सेव एज का उपयोग किया जाता है। आप एक ही फाइल को हज़ार दो हज़ार दस हज़ार जितने भी नामों से लिखना चाहते हो सेव करना चाहते हो कर सकते हो। अगला काम बात करते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप का उपयोग हम तब करते हैं जब हम अपने फाइल का या पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले है लेटर साइज, यहाँ पर पेपर के अंदर, तो आपको ये चुनना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका पेपर साइज क्या है, आप किस पेपर की साइज पर अपनी प्रिंटिंग करना चाहते हो, आपको वो साइज सेलेक्ट करना होगा। ओरिएंटेशन हमारी दो प्रकार की है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, हाइट ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है,
जैसे हमारा A4 का पेपर आता है उसमें अगर हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं वो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करते हैं। अगर लैंडस्केप में करना है जैसे सर्टिफिकेट वगैरह प्रिंट करते हैं तो आप लैंडस्केप मोड में भी प्रिंट कर सकते हैं। आपने यहाँ से भी ठीक है अभी पता है, अपने हिसाब से कोई भी एक साइज सेलेक्ट करेंगे। लैंडस्केप मोड इस तरह से होता है, इसमें क्या है हाइट कम हो जाती है और चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, A4 को जो नॉर्मल हम प्रिंट करते हैं उसे अगर 90 डिग्री लेफ्ट या राइट रोटेट करके प्रिंट करें तो वो लैंडस्केप मोड होता है। ये क्या है मार्जिन, मार्जिन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अगर हमें अपने पेज पर चारों तरफ से या किसी भी तरफ से किसी भी साइड से जगह छोड़नी है तब हम मार्जिन का उपयोग करते हैं। ये डॉटेड डॉटेड लाइन आपको ये दिखाती हैं कि आपने कितनी जगह किस डायरेक्शन छोड़ रखा है। मार्जिन का उपयोग करना ज़रूरी होता है, कभी कभार डिफ़ॉल्ट प्रिंटर की सेटिंग में अगर मार्जिन सेट नहीं होती तो अपना डाटा कट भी आता है। इसमें एक आता है हीडर और फूटर। हीडर का उपयोग हम तब करते हैं जैसे मैं मान लीजिए नोटपैड में काम कर रहा हूँ, मैंने 10 पेजों के लिए काम किया है, मुझे तो पता तो नहीं चलेगा कि 10 पेजों के लिए काम किया लेकिन अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूँ या कोई भी व्यक्ति बता सकता है जो लगातार प्रिंटिंग का काम करता है कि इतना डाटा इतने पेज पर प्रिंट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सभी के पेजों के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो अगर सभी पेजों पर मेरा नाम लिखा हुआ है तो उसके लिए मैं हीडर पर जो भी लिखना चाहता हूँ वो लिखूँगा। मान लीजिए मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो हीडर में रवि लिख दूँगा। अगर मैं मोबाइल नंबर या एड्रेस लिखना चाहता हूँ तो वो मैं फूटर में लिखूँगा। यहाँ पर जो भी काम किया गया है यानी कि हीडर और फूटर जो भी मैं लिखूँगा मैं टाइप करूँगा वो हर किसी पेज पर प्रिंट होगा, हर किसी पेज पर प्रिंट होगा। अगला बात करते हैं हम प्रिंट पे सेटअप करने के बाद ही हम प्रिंट का उपयोग करते हैं। प्रिंट का जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पॉपअप बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन है सेलेक्ट प्रिंटर। सेलेक्ट प्रिंटर में आपको वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है जो फिलहाल में आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है और वर्किंग है और कार्यरत है। उसके बाद आपको प्रिंट टू फाइल पर टिक करना है। प्रिंट टू फाइल पर टिक करेंगे तभी ये अप्लाई का ऑप्शन काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेफरेंसेज की, प्रेफरेंसेज में आपको एक बार और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड को सिलेक्ट करने की सुविधा उपलब्ध की कराई जाती है और कुछ नहीं है। बात करते हैं पेज रेंज वगैरह की, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज, आप एक ही पेज पर कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने 10 लाइन लिखी है, 10 लाइन को एक पेज पर प्रिंट करना चाहता हूँ तो एक ही रहेगा। अगर मैं 10 लाइन को हर 3-4 कॉपी निकालना चाहता हूँ यानी कि एक पेज पर 2 पेज पर 3 पेज पर मैं निकालना चाहता हूँ उसके लिए नंबर ऑफ कॉपी चाहिए। कहने का मतलब है एक ही पेपर को मुझे कितनी बार प्रिंट करना है, इसके लिए हम ये काम करते हैं। बात करते हैं अगला एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या है, नोटपैड एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अल्ट प्लस F4 के साथ भी इसे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस के सिंबल पर क्लिक करके भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज में सब आपको लिखवाऊंगा, धीरे धीरे एक साथ तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे एडिट मेन्यू के बारे में। एडिट मेन्यू जैसे कि नाम से पता चलता है एडिट, एडिट का मतलब क्या है, कुछ भी बदलाव करना, ठीक है, कुछ भी बदलाव करना। बदलाव कुछ भी का मतलब ये नहीं है फोटो वोटो भी लगा दो, जो ऑप्शन जिस काम के लिए बनाया गया है सिर्फ वही काम कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब हम जैसे ही एडिट मेन्यू को फिलहाल पहली बार ओपन किया है तो ये देखते हैं कि कुछ कमांड्स जो है हाईलाइट हैं, कुछ कमांड्स हाईलाइट नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शंस जो हैं वो तब काम करते हैं, तब हाईलाइट होते हैं जब हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट, कुछ टेक्स्ट को या कुछ आर्टिकल्स को सिलेक्ट या कुछ डाटा को हमने सिलेक्ट कर रखा होगा तभी वो काम करेंगे, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडू। अंडू का मतलब होता है, डू का मतलब होता है करना, अंडू का मतलब होता है नहीं करना। कहने का मतलब ये है मैंने जो भी काम अभी पहले किया है उस
को मैं नहीं करना चाहता, तो एक स्टेप पहले का काम करने के लिए मैं अंडू करूंगा। फिलहाल मैं आपको समझने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैंने रवि इज ए मैन लिखा, फिर तो उसके बाद मैंने लिख दिया रवि इज ए एनिमल जो है गलत लिख रहा है। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट कर दिया। लेकिन मैं कुछ समय सोचने के बाद पता चलता है कि नहीं, ठीक है, साइंस के हिसाब से एनिमल ठीक है। तो मैं उसको वापस करने के लिए कंट्रोल डाटा होगा, कहने का मतलब क्या, मैंने किसी डाटा को अगर फिलहाल में तुरंत ही तुरंत डिलीट कर दिया है तो उसको वापस लाने के लिए अंडू का उपयोग कर सकते हैं। अंडू केवल एक बार ही होता है, कहने का मतलब क्या, अगर आपने डिलीट कर दिया है उसको एक बार डिलीट करने के तुरंत बाद आप कंट्रोल जेड दबाएंगे या अंडू का ऑप्शन क्लोज करेंगे तो वो वापिस आ जाएगा। लेकिन दोबारा से अंडू करेंगे तो फिर से डिलीट हो जाएगा, फिर से दोबारा से हम कंट्रोल जेड का उपयोग करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, फिर करेंगे तो आ जाएगा। मतलब एक ही स्टेप पहले का काम ये करता है। अगला ऑप्शन है कट। कट का उपयोग हम तब करते हैं जैसे पहले तो हमको कुछ भी डाटा सेलेक्ट करना होगा, डाटा उसी डाटा को सेलेक्ट करना होगा जिसको हमें कट करना है। कट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जो डाटा हमें नहीं चाहिए एक समय पर। मान लीजिए मुझे अभी फ़िलहाल में मैंने कुछ टाइप किया हुआ है वो मुझे अभी नहीं चाहिए लेकिन आगे जरूरत पड़ सकती है, तो उस काम को करने के लिए हम कट का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे और कट करेंगे तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर भी आप उसको करना चाहते हैं तो वहाँ पर पेस्ट करना होगा, वो आगे चलते हैं। अगला बात करते हैं हम कॉपी का। कॉपी का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक ही काम बार बार चाहिए, एक ही लाइन हमें बार बार चाहिए, एक ही टेक्स्ट हमें बार बार चाहिए। मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है या कोई एक पैराग्राफ है जो मुझे हज़ार बार लिखना है, तो उस पैराग्राफ को हज़ार बार लिखूँगा तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। अगर मैं उसे टाइप करूँगा हो सकता है मुझे एक दो दिन लग जाए, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होगा मैं उस पैराग्राफ को एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ एक बार सही से टाइप करूं, फिर उसको सेलेक्ट करके कॉपी करूं और फिर उसको पेस्ट करता रहूं। जितनी बार भी आप लिखना चाहते हो उतनी बार पेस्ट कर दीजिए। और जितना और जल्दी करना है तो मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ लिखा, एक पैराग्राफ को करेक्टली लिखने के बाद कॉपी की सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। अब आपके पास कितने हो गए, दो पैराग्राफ, एक पहले का एक बाद का जो कॉपी करके आया है पेस्ट करने पर। अब आप दोनों को सेलेक्ट ऑल कीजिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, दो पैराग्राफ आपके पास सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, दोनों सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल वी कर दीजिए तो पेस्ट हो जाएगा। अब आपके पास चार हो गए, कंट्रोल ए फिर कीजिए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कीजिए कॉपी, फिर कंट्रोल वी कीजिए पेस्ट, तो ये कितने हो गए, आठ। यानी कि ये पावर में आ जाएगा, कंट्रोल ए करके जल्दी जल्दी करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। इसके आधार पर आप 1000 पैराग्राफ हो सकता है 5 मिनट के अंदर ही टाइप कर दें, डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, काबिलियत के ऊपर, ठीक है। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, एक ही काम कट किए गए या कॉपी किए गए डाटा को लिखना हो तो उसके लिए हम पेस्ट करते हैं, यानी वापिस चाहिए तो उसके लिए हम पेस्ट करते हैं। कट और कॉपी में सिर्फ अंतर ये होता है, कट किया हुआ अपनी जगह से डिलीट हो जाता है, कॉपी किया हुआ अपनी जगह पर भी रहता है। डिलीट इसीलिए डाटा को डिलीट करना और सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल में हम बात करते हैं कट और कॉपी और पेस्ट की। कट कॉपी पेस्ट, कट और कॉपी किया गया डाटा हम पेस्ट कर सकते हैं। कट किया हुआ डाटा अपनी जगह पर नहीं रहता है, कॉपी किया हुआ डाटा अपनी जगह पर रहता है। कट किया हुआ डाटा और कॉपी किया हुआ डाटा हम जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो वर्जन्स थे उनमें ये सहूलियत नहीं थी, कट किया हुआ डाटा सिर्फ एक बार पेस्ट होता था जबकि कॉपी किया हुआ डाटा कई बार पेस्ट हो जाता था। लेकिन अब इस वर्जन में विंडो 10 के साथ आप कट किए हुए डाटा को और कॉपी किए हुए डाटा को भी कई बार पेस्ट कर सकते हैं। सर्च विद विन ये विंडो 10 में देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर आप कुछ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वगैरह चाहते हैं तो उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला ऑप्शन है फाइंड। अगर आपने कुछ डाटा लिखा है, कुछ उसमें एडिटिंग करना चाहते हो, कुछ सर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कंट्रोल ऐप। जैसे मैंने ये अपना ही नाम लिखा है 5 बार अलग अलग तरीके से, मैं इसमें से आपको ये सिखाने के लिए लिखा है, ठीक है। फाइंड बार यहाँ पर आपको
करेक्टर्स या लेटर्स या अक्षर्स या टेक्स्ट या डाटा आपको टाइप करना होगा जो आप लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आप क्या ढूंढना चाहते हो, मैच केस और रैप अराउंड। मैच केस का मतलब ये होता है अगर आपने प्रॉपर में लिखा है, मान लीजिए आपने आर कैपिटल ए बी आई स्मॉल में लिखा है, यानी कि पहला लेटर कैपिटल ए बी आई स्मॉल में लिखा है, फाइंड वर्ड के सामने अगर आप आगे ये सब लिखते हो इसी तरह से, तो मैच केस पर टिक करेंगे तब तो आपको उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा। मैच केस पर अगर टिक नहीं करोगे तो जितना भी उसमें लिखा होगा किसी भी फॉर्मेट में किसी भी केस में वो आपको मिल जाएगा सारा का सारा। जैसे मैंने आर ए बी पर टिक किया, तो मैंने मतलब टाइप किया आर ए बी टाइप किया, फाइनेंस पर क्लिक किया और मैच केस और रैप अराउंड पर क्लिक किया है, तो इसके लिए वो सर्च करके दिखाएगा आपको, ठीक है। अभी बात करते हैं हम फाइंड नेक्स्ट की, जो फाइंड नेक्स्ट वहाँ पर काम करता था वही फाइंड नेक्स्ट यहाँ पर भी काम करेगा, ठीक है। एफ थ्री भी उपयोग कर सकते हैं आप। फिलहाल में हम थ्योरी के क्लास में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बाद बाकी प्रैक्टिकल में ही ये तीन चीज़ समझ में आएंगी आपको, कट कॉपी पेस्ट फाइंड और फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। फाइंड फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस ये आपको प्रैक्टिकल में ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत कोऑपरेट जरूर करेंगे मेरे साथ, ओके। अगला ऑप्शन है हमारा रिप्लेस। किसी एक शब्द की जगह पर दूसरा शब्द लिखना चाहते हो तो उसके लिए हम रिप्लेस का उपयोग करते हैं। बात करते हैं आगे गो टू। गो टू अगर आपको किसी एक लाइन से दूसरी लाइन पर या दसवीं लाइन पर जंप करना है तो उसके लिए आपको गो टू का उपयोग करना होगा। बात करते हैं सेलेक्ट ऑल। अगर हमने नोटपैड विंडो में और एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, हमको सारा का सारा डाटा सेलेक्ट करना है एक साथ में ही, तो कंट्रोल के साथ सारा का सारा डाटा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डेट और टाइम वगैरह डालना है अपने फाइल में तो आप डेट और टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर F5 बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना कि F5 जो है सिर्फ डेट और टाइम के लिए नोटपैड में काम आती है और किसी में नहीं आती। फिलहाल में हम नोटपैड की बात करते हैं, बाकी आगे देखेंगे। अगला मेन्यू है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में दो कमांड्स हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट। वर्ड रैप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे मैंने बिना इंटर के कोई एक लाइन लिखा, मान लीजिए मैंने माई सेल्फ लिखा बिना इंटर दबाए, एक ही लाइन में पता चला लिख गया, 10 लाइन है एक ही लाइन, कहने का मतलब यह 10 छोटे छोटे सेंटेंस एक ही लाइन में मैंने लिख दिया। मैं चाहता हूँ उनको अलग अलग करना, तो उसके लिए मैं वर्ड रैप का इस्तेमाल करूँगा। वर्ड रैप का इस्तेमाल जैसे ही मैं करूँगा तो इससे क्या होगा कि जितना भी हमारी स्क्रीन का साइज है उतनी बड़ी एक लाइन बन जाएगी, बाकी का जो डाटा है वो अगली वाली लाइन में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, कुछ आगे इसके और भी हैं, ठीक है, ये लगभग 3-4 सेंटेंस हैं, ये भी क्या है सिंगल लाइन में टाइप्ड है, लेकिन तब जब मैंने वर्ड रैप का इस्तेमाल नहीं किया तब। लेकिन जैसे ही मैं वर्ड रैप का इस्तेमाल करूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि वो सिंगल लाइन डाटा मल्टी लाइन डाटा में कन्वर्ट हो जाए। ये है वर्ड रैप का इस्तेमाल। अगला बात है नया फॉन्ट का। अगर हमें अपने लिखावट को चेंज करना है, लिखावट के साइज को चेंज करना है, तो इसके लिए हम फॉन्ट का उपयोग करते हैं। फॉन्ट का उपयोग करेंगे, फॉन्ट में आपको यहाँ से एक एक ऑप्शन कोई सा भी जो साइज वगैरह चाहिए वो सब सिलेक्ट करना है और कुछ। बात करते हैं व्यू में। व्यू मेन्यू में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जूम कमांड और स्टेटस बार। जूम कमांड ये आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन देता है, आप जितना जूम इन और जूम आउट करना चाहो कर सकते हो। ऑप्शन कहने का मतलब शॉर्टकट की वगैरह मैं आपको दूंगा, दिखाएंगे ये, ठीक है, जो केवल नोट पैड में काम करेगा, सिर्फ वही शॉर्टकट की, ओके। बात करते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार जो सबसे नीचे LN1 COL1 करके 100% वगैरह इस तरह से दिखाता है उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। उसको देखने के लिए हम इसको स्टेटस बार यहाँ पर क्लिक करेंगे तब जाकर के हम देख सकते हैं।
स्टेटस बार तभी काम करेगा जब वो एड्रेस नहीं होगा। वैसे तो काम करना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो आपको प्रैक्टिकल के साथ ही बतानी है मुझे, कौन कौन सी, वर्ड रैप का इस्तेमाल, गो टू का इस्तेमाल, कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल, फाइंड रिप्लेस का इस्तेमाल, फाइंड नेक्स्ट का इस्तेमाल, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में ही समझ में आता है, इसमें ज़्यादा समझ नहीं आएगा। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो कृपया करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले, वो भी कुछ सीख सकें। आज की डेट में स्किल्स इम्पोर्टेंट होती हैं, डिग्री डिप्लोमा इम्पोर्टेंट्स नहीं होते हैं। थैंक यू।